हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आरची गार्डन में। फ्रेंड्स, आज नवरात्रि का तीसरा दिन है। मेरे जितने भी भाई बहन हैं, मेरे जितने भी देशवासी हैं या मेरे देश से जितने भी बाहर लोग रहते हैं, सभी लोगों को नवरात्रि का ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान करे सब लोग कोरोना वायरस से अच्छे से हो जाए और जैसे हम लोग पहले लाइफ अपने जीते थे खुशी खुशी, सब उसी तरह से खुशी खुशी रहे। अब सब जानते हैं कि विंटर फ्लावर जितना भी है अब सब ख़त्म हो रहा है। मेरे गार्डन में भी विंटर फ्लावर जितना है सब खराब खत्म हो रहा है। चलिए मैं दिखाती हूँ, आप देख सकते हैं होली हॉक्स का फ्लावर प्लांट है। होली हॉक्स देख सकते हैं कितना छोटा छोटा सा हो गया है और पूरा बीज केवल बन गया है। अब बीज जो है कलेक्ट करने का समय आ गया है। अब बीज कलेक्ट करके सबको हटा देंगे, प्लांट को, ये पॉट भी खाली हो जाएगा। अभी तो बाहर नहीं निकलना है, तो भी जो भी है समर सीजन का फ्लावरिंग प्लांट जो है बाद में अब लेकर के आएंगे। जो मेरे पास में है वो भी मैं दिखाते जाती हूँ। ऐसे देख सकते हैं गजेनिया का प्लांट है, सोचे जेरेनियम का प्लांट है, ये अच्छे से भी फ्लावर दे रहा, रेड वाला, वाइट वाला भी अच्छे से फ्लावर दे रहा। और इसमें भी आप देख सकते हैं फ्लावर बड्स बहुत सारा बन रहा है। एक गेंदा का प्लांट है, ये आप देख सकते हैं सूरजमुखी का प्लांट है जिसको सनफ्लावर भी कहते हैं, छोटा छोटा सा होता है। ये जो है ना जो बीज गिर जाता है उससे निकला हुआ प्लांट है, इसको मैं अलग करके लगा दी हूँ। ये भी बेबी वही सनफ्लावर का है। एक है ये देख सकते हैं पिटूनिया है, ये भी जो समर में जो खिलता है वो पिटूनिया है। डेंथस अच्छे से चला। ये है, ये देख सकते हैं इसमें होलियोक्स का जो है ना सूख सूख के बीज गिर रहा है, इसको आप कलेक्ट करके रख सकते हैं, नेक्स्ट सीजन में आपको लगाने के लिए हो जाएगा। देखिए इसमें भी बहुत सारा गिरा हुआ है। ये बेली का फूल जिसको मोगरा भी बोलते हैं उसका फ्लावर है। ये गुड़हल का प्लांट है, इस तरह से भी शाम का समय हो रहा है, गुड़हल में भी देखिए फूल हो रहा है और बहुत सारा कली भी बना हुआ है, बर्ड्स भी बहुत सारा बना हुआ है। लेकिन हमारे यहाँ नवरात्रा चल रहा है तो फूल आपको किसी भी गुड़हल में नहीं मिलेगा। ये आप देख सकते हैं गुलाब का फूल, इसका भी अब सीज़न जाने वाला है, फूल होगा लेकिन छोटा छोटा साइज में हो जाएगा, फ्लावर तो खिलता रहेगा बहुत छोटा सा हो जाता है। ये भी आप फ्लावर देख सकते हैं, ये समर में फ्लावर करने वाला प्लांट है। ये भी आप देख सकते हैं सूरजमुखी का प्लांट। ये सब जो बीज गिर जाता है पॉट में उसी से प्लांट निकला, उसी को लगा करके बाहर जाकर ला तो नहीं सकते हम लोग। ये अब स्थल कमल है, इसमें भी बर्ड्स बनने लगा है। ये आप देख सकते हैं अलमांडा का प्लांट, येलो अलमांडा, इसमें भी बहुत सारा बर्ड्स बन रहा है। ये अडेनियम, अडेनियम ये देसी अडेनियम है, इसमें भी बर्ड्स बनने लगा है। ये गजेनिया का प्लांट है, अब इसको जो है बीज के लिए बीज कलेक्ट करने के लिए छोड़ दिया गया है। अब शाम का समय हो रहा है तो फ्लावर जो है बंद होने लगा। अब इसमें से बीज कलेक्ट करने के बाद इसको भी हटा देंगे। ये मेरे यहाँ मई तक का चलता है, बारिश के कुछ दिन पहले ये फ्लावर प्लांट जो है ख़त्म हो जाएगा। ये रोज का प्लांट वाइट रेड सॉरी पिंक कलर का है। ये पिटूनिया, पिटूनिया में भी अच्छे से फ्लावर हो रहा है। ये गुलाब, ये भी गुलाब है, ये गुड़हल है, गुड़हल में भी देख सकते हैं एक फ्लावर छोड़ के बाकी सब फ्लावर हम लोग ले लिए हैं। ये भी देख सकते हैं ये रेड वाला है, रेड वाला हमारे यहाँ माता जी को चढ़ता है इसलिए एक भी आपको फ्लावर नहीं मिलेगा, सुबह में ही हम लोग तोड़ लेते हैं। ये मिर्ची का प्लांट है, मिर्ची भी भर भर के मिर्ची आ रहा है। देख अब मिर्ची को जितना ज़्यादा तोड़िएगा, जितना ज़्यादा मतलब हार्वेस्ट कीजिएगा, फ्लावर उतना ही होगा, उतना ही ज़्यादा प्लांट भी लगेगा, उतना ही ज़्यादा देख सकते हैं मिर्ची भी लग रहा है। ये आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं ग्रेडियस का जो भी बल्ब बचा हुआ था उसमें भी फ्लावर हो रहा है, वाइट वाला है, इसमें भी एक तो बर्ड्स वाला निकल गया है। ये पिटूनिया वाइट वाला, ये रेड पिटूनिया, ये नाग चंपा है, ये भी अडेनियम का प्लांट है। ये आप देख सकते हैं एक तो कागजी नींबू जो होता है इसमें एक तो नींबू लगा है, देखिए हो पाता है कि नहीं हो पाता, फ्लावर भी लगा हुआ है। अब ये सभी प्लांट जो है अब ख़त्म होगा, खाली बीज कलेक्ट करने के लिए रखा हुआ है। बीज कलेक्ट करने के बाद इसको भी हटा देंगे। ये आप देख सकते हैं बेगम बहार, इसमें भी ये तो समर का प्लांट, इसमें बहुत सारा भी प्लांट फ्लावर हो रहा है। ये प्लांट भी अब ख़त्म हो रहा है, इसमें भी बीज के चलते इसको रखा गया है। देख सकते हैं गुड़हल का प्लांट है, ये पिंक वाला है सॉरी क्रीम कलर का है, देख सकते कितना अच्छा लग रहा है, इसमें भी शाम होते थे फूल खिल जाता है ना। ये सदाबहार,
ये देख सकते हैं फर्स्ट लव का प्लांट है, इसमें बहुत सारा बड्स बन गया है। देखिए ये इस समय से लेकर के आपको पूरे विंटर सीजन से कुछ दिन पहले तक फ्लावर देते रहेगा। ये देख सकते हैं ये वाइट कलर का चंपा है, इसमें भी बड्स बन गया है। ये कटिंग से लगाया हुआ प्लांट है। ये देखिए एक तो बेगनवेलिया का प्लांट, ये जो है श्री कृष्ण कमल जो बोलते हैं उसको ना राखी वेल, उसमें भी अच्छा अच्छा नया नया पत्ता निकलने लगा, देख सकते हैं। ये बेगनवेलिया है, बेगनवेलिया में भी फ्लावर बनने लगा। बेगनवेलिया में बस आपको मिट्टी इसका सूखा रखना है, जितना कम पानी डालिएगा फ्लावर उतना ही ज़्यादा खिलेगा। ये देख सकते हैं एक जिसको हमारे यहाँ बूढ़ा बोला जाता है, उसका एक तो प्लांट निकल गया है, एक और प्लांट निकल रहा है, दो प्लांट और निकल रहा है। ये फोबिया मिली, ये अपराजिता का प्लांट है, अपराजिता तो बहुत खूबसूरत खिलता है। सब कोलियस का प्लांट है, साइड साइड में करके रख दिया छाँव में। ये भी बैगनवेलिया है, वाइट बैगनवेलिया, इसमें भी फ्लावर नहीं खिल रहा है। ये देख सकते हैं एनिमल क्रिस्टमम, इसमें भी अब फ्लावर नहीं खिलेगा ज़्यादा। देखिए इसमें भी बीज बनना शुरू करके बीज कलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि जब न तब बारिश हो जा रहा है और बारिश में भीग जाने के बाद बीज जो है आपको नहीं अच्छा से मतलब लगेगा, इसलिए बारिश होने से पहले अच्छे से बीज को कलेक्ट कर लें। ये मेरीगोल्ड का प्लांट है, ये आप देख सकते हैं गुलाब है, ये सब इंग्लिश गुलाब है। ये भी तीनों ख़त्म होने के बाद नीचे से इसको कट करके हटा देंगे, इसमें भी बड्स भी बन रहा है। ये जरबेरा का प्लांट, जरबेरा में एक फ्लावर खिला हुआ, वो सूख गया है, हल्का सूख रहा, एक नया फ्लावर बड्स बना हुआ है और एक फ्लावर भी खिला हुआ है। ये मेरा ऑरेंज जैस्मिन, ऑरेंज टैम्बरिन माइन है, इसका भी देख सकते हैं, इसका जितना भी फ्लावर था सब खिल गया। फ्लावर खिलने के बाद देख सकते हैं यहाँ से जो है ना इसको हटाना पड़ता है, हटाइएगा तो फ्लावर में से यहाँ नया नया जो है इसमें ब्रांच निकलेगा और अच्छे से फ्लावर खिलेगा, नहीं हटाइएगा तो ब्रांच जल्दी नहीं निकलता है। जितना जल्दी इसको हटाइएगा जैसे देख सकते ब्रांच नया नया जो पत्ता निकलता है, नया नया जो ब्रांच निकलता है उसमें से बड्स बनते जाता है, इसको भी हटाना पड़ेगा। ये ग्लेडियस का है वाइट वाला, ये भी अब ख़त्म हो रहा है, इसका भी बल्ब जो है अब सेव करना पड़ेगा। ये गुड़हल का प्लांट है, डेंथस अभी अच्छे से चला, डेंथस तो आप पूरे साल अच्छे से इसका जितना भी है फ्लावर जो खिल गया उसको हटाते जाइएगा, ये सेफ रहेगा पूरे एक साल, पूरे साल तक ये अच्छे से रह सकता है, थोड़ी सी छांव में रखना पड़ता है बस। ये भी आप देख सकते हैं मेरा होलियोक्स ख़त्म हो रहा है, पूरा खिल गया है, इसको भी बल्ब खाली इसको बीज के लिए रखे हुए हैं, इसका भी हटाना पड़ेगा। ये डेजी फ्लावरिंग प्लांट है, इसमें भी बीज बनने लगे हैं। ये डहेलिया, डहेलिया तो भी स्टार्ट हुआ है खिलना, ये वाला, ये तो बहुत सारा फ्लावर हो चुका था, इसमें भी नया जो है नया खिल रहा, बहुत खूबसूरत सा फ्लावरिंग प्लांट, ये फ्लावर कितना अच्छा बन रहा। ये भी डहेलिया, इसमें भी बहुत सारा बड्स बना हुआ है, इसको कल काटना पड़ेगा तब ये बना हुआ। अब इसका साइज भी जो छोटा छोटा होने लगा है, देख सकते हैं। वो कैमेलिया का प्लांट है, गोरी चोरी, ये भी डेंथस, इसमें भी कितना खूबसूरत फ्लावर हो रहा है। ये फ्लावर प्लांट का तो मैं नाम भी नहीं जानती, सही याद ही नहीं रहता मुझे नाम कौन सा इसका नाम है। ये समर में बहुत अच्छे से चलता है, ये प्लांट जो है पूरे साल रहता है लेकिन समर में फ्लावर इसमें देने लगता है। एक देख सकते हैं साइड में मेरीगोल्ड का प्लांट लग गया जाफरी का, इसको भी हटाना पड़ेगा। ये फोनसीथिया का प्लांट है, ये विंटर वाला है। ये गुड़हल का प्लांट है, इसमें छोटा छोटा सा होता है रेड कलर का, देख सकते हैं इसमें बड्स बना हुआ है। ये आइस प्लांट है, इसका भी बीज कलेक्ट करने के बाद इसको भी हटा देंगे। ये देख सकते हैं गुलाब का, ये कितना सारा इसमें बड्स बनने लगा। ये प्लांट में मैंने अपने वीडियो डाला था, इस प्लांट का ग्रोथ एकदम रुक गया था, अब देख सकते हैं कितना सारा इसमें बड्स बनने लगा है। देखिए ये एस्टर का प्लांट है, ये भी अब ख़राब हो गया है, इसको भी हटाना पड़ेगा। ये देख सकते हैं ये बीटर को यानी करेला का प्लांट है, अब इसको चढ़ाना पड़ेगा क्योंकि ये जो है ना निकलने लगा है, तो इसको किसी चीज़ का सहारा देना पड़ेगा तभी ऊपर की ओर चढ़ेगा और फ्लावर देगा, सॉरी वेजिटेबल इसमें होने लगेगा। अब देख सकते हैं एलिजिस फिंगर जिसको हम लोग भिंडी बोलते हैं, उसमें भी देखिए अब बनने लगा है, फ्लावर होने लगा है। ये तो टमाटर का प्लांट है, टमाटर इसमें कितना ज़्यादा हो रहा है, इसमें से कितना सारा तोड़ तोड़ के हम लोग हटा भी दिए हैं। एक मिट्टी जिसको हम लोग मंगाते हैं ना ओला थैला था, उसमें मैंने इसमें खीरा यानी कुकुम्बर का इसमें बीज लगा दिया है,
देखते हैं हो पाता है कि नहीं हो पाता है। और ये आप देख सकते हैं मधुमालती का बिल ऊपर चढ़ने लगा है। इसका जो है ना बास्केट टूट चुका है, अब इसको हमको नया देना पड़ेगा, लेकिन अभी बाहर नहीं जा सकते इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया है। जल्दी से सारा हमारे यहाँ का मौसम अच्छा हो गया, अभी शाम का समय है देख सकते हैं। ये भी बाल्टा है, छोटा सा टूटा हुआ है बास्केट, उसमें भी मैंने कद्दू का बीज लगा दिया है। चलिए अब मैं वीडियो को बंद करती हूँ, फिर मिलते हैं नए वीडियो नए टॉपिक को लेकर के। तब तक के लिए बाय बाय। अपना और अपने आसपास का ख्याल रखिएगा, अपने फैमिली का। माता रानी करे जितना जल्दी हो सके ये वायरस से हम लोगों को छुटकारा मिले और हम लोग अपने जो पुराने लाइफ था उसमें अच्छे से आ जाए। थैंक यू फ्रेंड, फिर मिलते हैं नए वीडियो नए टॉपिक के लेके। तब तक लिए बाय बाय।